हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, जो Q4 के रिज़ल्ट निकल रहे हैं उसमें से भारती ने भी अपना रिज़ल्ट दिया है और 29% अप रहा है। लगभग 107 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, पिछला 83 का था फ्रेंड्स। और रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी रही है, लगभग 19,394 से 20,602 का रहा है, 6% ऊपर रहा है। जो एस्टिमेट था वो लॉस का था, बट इसके वजह से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है फ्रेंड्स। और काफ़ी कंपटीशन, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रिलायंस जियो ने काफ़ी कंपटीशन दिया है, बट भारती का जो अभी तक का सर्विसेज रहा अच्छा रहा है और एक ब्रांड रहा है भारती। और काफ़ी एक्विजिशन भी रहा है बाहर, इंटरनेशनली भी इनके सब्सिडीज़ हैं। अभी आप न्यूज़ में है कि भारती एयरटेल ह्यूज कम्युनिकेशन के साथ जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में कंबाइन करके वेस्ट ऑपरेशन इन इंडिया, तो न्यूज़ वो बना रहता है भारतीय एयरटेल और कोशिश कर रहे हैं कि जियो से कंपटीशन बना रहे फ्रेंड्स। और ये लोग आपस में भी टावर का एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो राइट इशू था उसी तरह से राइट इशू भारती का भी आया, तो अब कुछ डेप्थ की कमी करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्सटेंड भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जियो से जो कंपटीशन रहा है रेवेन्यू में तो ऊपर है, ये लगभग 81,335 का रेवेन्यू रहा है और जियो का 45,782, बट प्रॉफिट में भारती जो है 409 ही रहा है और जियो का लगभग 2,964 रहा है फ्रेंड्स। अब आने वाले दिनों में फ्रेंड्स टेलीकॉम सेक्टर में एक स्टेबिलिटी आना चाहिए और शेयरों में भी अच्छा खासा तेजी रहना चाहिए। और भारतीय एयरटेल का जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर्स में 300 से 350 के बीच रहा है, अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है भारतीय, तो जब भी ग्राउंड में नीचे की तरफ मिलता है तो भारतीय को लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे भी जो नए इन्वेस्टर अगर अभी इस वक्त देख रहे हैं, तो भारतीय को अगर आप लेना चाहते हैं 300 के आसपास, 350 एक व्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि 352 या 53 के आसपास ले लिया था, ये जाएगा नहीं जाएगा, गया भी वहाँ पे फिर थोड़ा सा करेक्शन उसी के आसपास से नीचे से करेक्शन हो रहा था फ्रेंड्स। तो इस तरह से नहीं, आपको अगर नीचे की तरफ 15% ऊपर की तरफ जाएगा और अच्छा न्यूज़ और अच्छा ग्रोथ रहेगा तो आने वाले टाइम लग सकता है थोड़ा सा, तो FY20 और 21 तक टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा बूम आना चाहिए, तो भारती भी उसमें से एक रहेगा। और तीन कंपनियां हैं, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये तीन आपको दिखेंगे। और जैसे कि इसका राइट इशू भी आया था 25,000 करोड़ का, तो वोडाफोन आइडिया का भी शेयर काफ़ी 16 रुपये के आसपास है। तो आप अगर भारतीय एयरटेल को अगर ट्रेड के हिसाब से भी देखते हैं तो आपको बेनिफिट काफ़ी 10-15 दिन और 15-20 दिन में भी आपको बेनिफिट दिख सकता है भारतीय एयरटेल में फ्रेंड्स। मार्केट जब गिरावट में रहती है और ये शेयर भी नीचे की तरफ आते हैं तभी आप इनको खरीदिए, जब मोमेंटम होता है तब आप खरीद लेते हैं, तो फिर आप दो चार, जैसे आपने 100 लिया 200 लिया तो आपको 6 पॉइंट ऊपर की तरफ मिलना है तो आप सेल नहीं करते हैं, बट ये है कि नीचे से अगर आप लेंगे डिलीवरी लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो भारती में इस तरह से आप काम कर सकते हैं और वॉच करिए पहले शेयर को किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अभी आज 2% लगभग अभी 325 के आसपास का है भारतीय एयरटेल। तो फ्रेंड्स, ये आप भारतीय एयरटेल का जो Q4 का रिज़ल्ट था उसके बारे में अपडेट करने की कोशिश थी। अगर कोई शेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये भारतीय एयरटेल को भी देख सकते हैं, अगर नीचे आपको मिलता है तभी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसमें अगर निवेश या निवेशित है तो अपडेट करने की कोशिश की जाती है सारा लेटेस्ट। आज के लिए इतना ही, आज ये भारतीय एयरटेल था, फिर कोई नया वीडियो लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।